फ्रेंड फिर से एक बार हमें परिफिश एक्वेरियम में और हमारे साथ में आरिफ भाई, और आप देख सकते हो आरिफ भाई ने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा फिश का कलेक्शन रखा हुआ है। लेकिन आज हम स्पेशली कवर करने वाले हैं ग्लोइंग फिश टेट्रा को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोग बहुत ज़्यादा उसको बाय कर रहे हैं, बट उनके फिश जो है वो डेड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको कैसे केयर लेना है इसके बारे में आरिफ भाई हमें डिटेल में बताने वाले। पिछले वीडियो में बोला था आरिफ भाई ने कि इस फिश को हम कवर करेंगे इस बार, तो आरिफ भाई इस बार हम कवर करने वाले ग्लोइंग फिश टेट्रा को। ओके, तो मैं आप लोग को बताया तो ग्लोइंग टेट्रा रखने का तरीका किस तरीके से है। तो आरिफ भाई, आपके पास में भी ग्लोइंग फिश टेट्रा में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है, जैसे कि ये वाली है, इसके बाद में आपने यहाँ पे जेब्रा में भी ग्लोइंग वाला जेब्रा रखा है, उसके बाद में आपने यहाँ पे छोटे साइज में भी रखा है, तो इनका प्राइस कैसे स्टार्ट होता है आरिफ भाई, अगर हम बाय करने जाते फिश शॉप में? तो ये वाला अगर लेते हो आप छोटे साइज का 254 डजन में आपको मिल जाता है। ये वाला 250 रुपीज डजन में मिल जाता है ना, और ये वाले जो है ये जेब्रा आपको 200 डजन में मिल जाएगा, 200 रुपीज डजन में मिल जाते हैं, यानी 200 में 12। और ये वाले जो है अरे भाई, ये वाले लेगा आपको 400 डजन में आपको मिल जाते हैं, 400 रुपीज डजन में मिल जाते हैं ना। और जो वाले अरे भाई फरी एक्वेरियम 2 में है ग्लोइंग टाइगर बाब से हाँ, उनका कैसा प्राइस है? 354 डजन में आपको मिल जाएगा, 350 रुपीज डजन में मिल जाते हैं ना। इन सब का कॉम्बिनेशन हम साथ में रख सकते हैं? हाँ, ये सब साथ में रख सकते हैं, बाब्स वगैरह हो गया या फिर ये फ्लोरेसेंट, आप एकदम इक्वली करके आप उसको रख सकते हो। अरे भाई, ग्लो फिश टेट्रा में सबसे पहली बात है कि टैंकमेट्स कौन से हैं इसके, क्योंकि हम अगर गलत फिश रख देंगे उसके साथ में तो वो ऐसे ही मर जाएगी। एक्चुअल काफी लोग को मालूम भी नहीं होता है, बट ये गोल्डफिश वगैरह के साथ में रहती है, मॉली के साथ में रहती है। अरे भाई, इनके साथ में रखेंगे तो चलेगा? गोल्डफिश के साथ में रहती है, मॉली के साथ में भी रहती है। मॉली के साथ में भी रहेगा, इसके अलावा जेब्रा डेनियो में रख सकते हो। ओके, ये जेब्रा फिश है ग्लोइंग वाली, इनके साथ भी रख सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप एंजल में भी रख सकते हो उसको। एंजल में भी रख सकते हैं, आप इसके अलावा डेनासोनी के साथ में रख सकते हो उसको, बाला शार्क के साथ भी रख सकते हैं। अरे भाई, क्लाउन लोच इसके साथ में रख सकते हैं, लोच की कोई भी वैरायटी में आप उसको रख सकते हैं। ओके, लोच की कोई भी वैरायटी में हम उसे रख सकते हैं, क्योंकि लोच वाले जो रहते हैं जनरली बॉटम फीडर रहते हैं और ये थोड़ा ऊपर ही खेलते हैं ना। और ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से लोग कोई वगैरह के साथ में भी रखते हैं, तो कोई ज़्यादा एक्टिव रहने की वजह से मच्छी थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, तो मोर्टेलिटी होने के चांसेस रहती है। तो आप लोग को एक ही चीज़ के साथ में मॉन्स्टर के साथ में नहीं रखना है, बड़ा साइज का डॉलर वगैरह में रखे तो भी प्रॉब्लम होता है, टैंक छोटे से रहते घुसाड़े जाते उसके अंदर मच्छियाँ, तो पता भी नहीं रहता क्या खरीदना क्या डालना, कुछ भी लेके भेल भाल डाल करके उसको छोड़ देते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम आता है टैंक छोटा रहने की वजह से। अगर आपका टैंक बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में रह जाता है, इशू नहीं बड़े मच्छी के साथ। सबसे पहला इशू ये आता है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मच्छी ले जाते तो फिल्ट्रेशन का काफ़ी इशू होता है इसमें। ये जो मच्छी है ज़्यादा मूविंग करने वाली मच्छी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको, जगह पर खड़ी रहने वाली या कभी इधर उधर जाने वाली हल्की सी, तो इसको ज़्यादा फ्लो मारेगा तो मच्छी डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। नॉर्मल स्पंज फिल्टर आप लगा सकते हैं, आप फिर हैंग ऑन वगैरह भी लगाएंगे छोटा साइज का लगा सकते हैं, बट ज़्यादा फ्लो नहीं चलता है मच्छियों को, यानी पावर फिल्टर वगैरह नहीं यूज़ नहीं कर सकते, इट्स ओके। तो ये एक इशू है मच्छी का डेड होने का। अगर आपको ओनली फॉर टेट्रा ही रखना है तो मैं आप लोग को बताया तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाना है आपको इसके अंदर। ओके, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। ओके, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, और नीचे साइड में अगर आप डालना चाहते हो तो ब्लैक कलर की सैंड डाल सकते हो, या फिर आप नीचे भी ब्लैक कलर का पोस्टर लगा सकते हो। ओके, तो भी ये जो मच्छी है ये एकदम उठकर आएगी, ज़्यादा ग्लो करेगी, ग्लो करती है ना। तो ओके, अगर आपके पास कोई भी लाइट चलेगी इसको, नॉर्मल व्हाइट लाइट भी चल जाती है, ब्लू लाइट लगाएगी तो कुछ इशू नहीं है। हाँ, ब्लू लाइट भी चल जाती है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको नॉर्मली एक सिंपल छोटा सा टैंक ब्लैक पोस्टर या ब्लैक बैकग्राउंड या ब्लैक सैंड डाल के आप इसको बना सकते हो, तो यानी काफी अच्छा लगता है। ट्राई रखोगे तो भी चलेगा, ओनली ग्लोइंग, बाकी फिश रखने की जरूरत नहीं है। तो अरे भाई, ये फिश के लिए हमें क्या हीटर लगाने की जरूरत है? ये फिश को हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, अगर आप लगाते भी हो तो आपको 27 टू 26 के टेम्परेचर पे रखना है, अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर वो मच्छी मरने के 28 का टेम्परेचर लोग झेल नहीं पाएंगे, तो मरने के चांसेस होते हैं, लोग के थोड़े नाजुक से है तो वो हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम आने के चांसेस। 25 तक इनको चलेगा, 25-26 के चलेगा। हाँ, ज़्यादा हीट होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम, ज़्यादा कम जाता होगा तो आप हीटर लगा लीजिए। एक्चुअली टेट्रा फैमिली को हीटर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अगर नॉर्मली आप रखे हो तो आप इसको हीटर लगा सकते हो, कोई नेचर में भी ऐसे ही रहते तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आरिफ भाई, मेरा सवाल ये है दूसरा वाला, कि ये जो फिश है इनका वाला कलर जाता है क्या?
भाई वो जो पहले कलर ग्लास टेट्रा जो आती थी, कलर ग्लास टेट्रा जिसमें लाइनिंग होती थी अलग अलग कलर की, उनके कलर जाते हैं, वो इंजेक्शन किया हुआ है। बट ये जेनेटिक निकाला हुआ मच्छी है तो इन लोग का, इन लोग के कलर जाते नहीं है तो येलो कलर रह जाते हैं उसी टाइप के। बट वो जो है कलर इंजर्ड किया हुआ था वो कलर ग्लास पे, तो कलर ग्लास चले जाते तो इनके कलर जाते भी हो गया ना, वो बाद में बैन किया क्योंकि वो मच्छी को हार्म करके उसके अंदर कलर इंजेक्ट किया करते थे। ये वाला जेनेटिक है, वो मच्छी टिकती भी नहीं थी ज्यादा टाइम तक की, और बहुत टाइम के बाद मैंने भी उसको छोड़ दिया था, मतलब 2-4 साल पहले की बात है शायद से, उससे भी ज्यादा। तो मैंने भी उसको सेल करना बंद कर दिया था क्योंकि वो मच्छी का था, मुझे पता चला कि भाई वो ज़्यादा तकलीफ वाला काम करे उन लोग में और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती थी, तो वो हिसाब से उसको बंद कर दिया। ये वाला जेनेटिक है और ये थ्रू आउट रहेगा, बस बड़ा होगा तो थोड़ा फेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा कलर जाता है उसका। तो अरे भाई, ये वाला जो फिश है ये कितने साल जीता है? मिनिमम मेरे हिसाब से 2-3 साल का इसका लाइफ है, अगर किसी के पास जिया रहेगा तो 5 साल तक भी जिएगा। यानी बहुत ही आइडियल कंडीशन होगी तो 5 साल जिएगा। हाँ, अगर बेचोर सामने वाला ने जितना अच्छे तरीके से सब उसको पालेगा, वो तरीके पे डिपेंड होता है कि लाइफ इंसानों जैसा, इंसान जिस तरह से खाना खाता है तो उसकी लाइफ उस तरीके से हो जाती है। अभी पहले के दौर में आप लोगों ने देखा रहेगा, पहले के बुजुर्ग 110 साल जिया करते थे, अभी तो 60-50 साल में चल देते हैं। जल्दी खराब हो जाती है और टैंक के अंदर का जो वाटर के अंदर का जो पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो सफिकेशन नहीं होता है फिशेस के लिए, तो थोड़ा मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं ज्यादा मच्छियां रखने की वजह से। ओके, तो 1.5 फीट का टैंक जो है वो आप रिकमेंड करते हो रखने के लिए? मिनिमम 1.5 फीट कम से कम। उसमें फिश कितना? 12 मच्छी डाल सकते हैं इसलिए। तो अरे भाई, ये वाले फिश के डिसीज के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज शेयर कीजिए। ये वाले फिशेस को ज़्यादा करके मैंने देखा है वाइट स्पॉट लगता है या फिन रॉट होता है, बैक साइड से टेल सड़ती है और वाइट स्पॉट होता है लोग को ज़्यादा। तो आप लोग को सिर्फ मच्छी का ये देखना है कि टेल वगैरह उसके परफेक्ट रहना चाहिए, डैमेज नहीं रहना चाहिए। आप जैसे भी कहाँ से भी आप बाय करो, कोई भी दुकान से आप लेते हो तो भी, तो एक चीज़ देखना उसकी टेल वगैरह वाइट स्पॉट लगा हुआ नहीं रहना चाहिए और टेल वगैरह एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ चीपेस्ट वाला प्राइस ढूंढते रहो जहाँ पे आपको सस्ते में मिल रहा हो पे आके उठाओ। ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्या होता है कि कुछ रीजन्स होते हैं, आदमी कम रेट में निकालता है तो कुछ रीजन्स होते हैं, तो वो भी हो सकता है कि आपको चिप प्राइस में दे रहा है तो क्या रीज़न है उसका। मोर्टेलिटी अगर होना चांसेस चालू हुआ तो भी आपको कम में मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ यही करना है कि आपको डिसीज चेक करना है, मच्छी बाय करते हो आप किस तरीके से खरीद रहे हो वो। सेकंड में आपको अगर वाइट स्पॉट लगता है तो आप इसको मेथिलीन ब्लू वगैरह डाल के या नमक डाल के आप इसको रिकवर कर सकते हो। ओके, मेथिलीन ब्लू और नमक से हो जाएगा रिकवर? हाँ, हो जाएगा, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं, और इसके अलावा अगर आपको माउथ फंगल वगैरह लग रहा है या फिर फिन डॉट लग रहा है तो आप इसको एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन वगैरह या पैरेक्सिन वगैरह या फिर आप इसको सिप्लोफ्लॉक्सासिन या फिर रिडॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जेनलेट वगैरह, एक्रेफ्लेविन वगैरह, तो आपका ये कवर हो जाता है इजीली। इसके अलावा और कोई डिसीज होता है अरे भाई? इसमें इंटरनल पेट का भी इशू होता है, स्विमिंग ब्लैडर भी होता है उसको, ये राउंड मारना चालू करती है, गोल 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 घूमने लगती है, तो उसका भी एक इशू होता है। तो आपको एकदम कम पानी रख के मेट्रोजिल टेबलेट या मेट्रोजिल आईवी या एप्सम सॉल्ट का आप इसको ट्रीटमेंट करें। okay. उससे ये इजीली सही हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। 3-4 दिन का आपको ट्रीटमेंट करना कंटिन्यू पानी चेंज करके, तो भी ये कवर हो जाते हैं। ओके अरविंद भाई, थैंक यू, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया। अगर किसी के इसमें डिसीज लग जाता है तो उसको अपन कवर कर सकते हैं। तो अरविंद भाई, इसके लिए आप कौन सा फूड रिकमेंड करते हो? ये लोग का मुँह टेट्रा फैमिली से तो छोटा मुँह है लोग का, तो इसके लिए आपको माइक्रोफीड या फिर सिंकिंग फूड में आप इसको इंस्टिंग वगैरह या फिर माइक्रो पैलेट्स वगैरह डाल सकते हैं, फिर टेट्रा बाइट क्रश करके आप इसको डाल सकते हैं या फिर ड्राई ब्लड बॉम डाल सकते हैं या फिर लाइव में आप डेफनिया वगैरह डाल सकते हैं, लाइव कीड़े में आप कुछ भी डाल सकते हैं उसको, ब्लड वॉम वगैरह। हाँ, का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसका, बस छोटा साइज का होना चाहिए। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, ब्लड वॉम थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इसको सादा कीड़ा डालो, ट्यूबिफ्लेक्स डालो या फिर डेफनिया डालो, वो चल जाएगा। और दूसरा, आप इसको खाने में नॉर्मल माइक्रो वगैरह डाले, सिंकिंग डाल सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो खाने का इतना इशू नहीं है लोग का। ओके, यानी अपन लाइव फीड देंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा और ड्राई भी डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको इसका केयर लेना होगा। तो अरे भाई, फिश के ब्रीडिंग के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? यानी कि ब्रीडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे भी कम प्राइस में मिल रहा है तो यानी ब्रीडिंग करके
नहीं, अगर आपको नॉर्मली ये एकदम इजीली चीपेस्ट प्राइस में अभी तो फिलहाल मिलना चालू हो गया, अगर आपको इसको ब्रीड करना है तो आप भी कर सकते हैं इसको। एक देता है ना? हाँ, डायरेक्ट एक देंगे आपको, ऊन या फिर काता जो होता है नायलॉन काता, उसको डाल के आप इसको ब्रीड कर सकते हैं। कॉमन में भी ब्रीड हो जाते हैं इन लोग, मेल फीमेल आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप इसको 12 मच्छी डाल देंगे तो भी इजीली ब्रीड हो जाएंगे, बट इसका बेबीज को इन्फोसिया वगैरह कल्चर बनाना पड़ेगा और वो बच्चे तभी इसके जिंदे रहेंगे, तो वो थोड़ा सा जमीले वाला निकालना पड़ता है। नहीं, आप उसको जब आपके पेरेंट्स निकालना पड़ेगा आपको उसके अंदर से, जो बच्ची अवेलेबल रहेगी एग्ज डालने के बाद से आपको फिशेस निकालना पड़ेगा और फिश को निकाल देना पड़ेगा फिशेस बाहर में। जो भी मच्छियाँ रहेंगी आपको उसको सब निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसको मैथिलीन ब्लू डाल के एरिस्टोन लगा के आप इसको छोड़ दे तो बच्चे हैचिंग हो जाएंगे। ऑक्सीजन मशीन वगैरह लगा के एरिस्टोन एयरस्टोन एयरस्टोन लगाना दिस टाइप। ओके, ये वाला ऐसे टाइप का एयरस्टोन लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, तो आपका जो बेबीज है वो बॉर्न हो जाते फ्री हो जाते हैं। okay. बेबीज फ्री होने का टाइमिंग होता है 48 आवर्स। ओके, 48 आवर्स यानी अच्छा खासा टाइम हो गया रे बेबी। हाँ, तब तक के आपको अच्छे से उनको संभाल के रखना है। एक अंडा देने के 48 वगैरह नहीं लगने के लिए मैथिलीन ब्लू डालना होता है। मैथिलीन नमक नहीं डालना होता है, अंडे जब देती है तो नमक नहीं डालने का, मैथिलीन ब्लू डालना है तो फंगस नहीं होगा। तो आप इसको हैचिंग होगी, बच्चे फ्री होंगे अंडे से, तो उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको इन्फोसिया डालना पड़ेगा। इन्फोसिया डालने के बाद आप इसको शिफ्टेड डेफनी वगैरह डालना चालू कर सकते हैं। सो थैंक यू आरिफ भाई, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया है आपने, शेयर किया हमारे साथ में ग्लोइंग फिश के बारे में, क्योंकि ग्लोइंग फिश जनरली जो है वो यानी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, कम प्राइस में मिल रही है तो लोग बाय भी कर रहे हैं और उनको रख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा डेड हो रही थी फिश, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उसको भी आपने बहुत ही अच्छा सा गाइडेंस हमें दिया है। तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं जो जितना आप इसको हेल्थी रखेंगे फिशेस को तो बीमारी आने के चांसेस नहीं कम रहते, तो अगर आपकी एक बार मच्छी बीमार होती है तो ट्रीटमेंट के दौरान भी मॉर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ मच्छी को थोड़ा सा केयर कीजिए, थोड़ा हेल्थी रखिए, टाइम टू टाइम पानी चेंज कीजिए, टाइम टू टाइम खाना डालिए। और बहुत से लोगों का सवाल भी ये था कि भाई ये मच्छी का कलर चले जाता है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा ये मच्छी का कलर जाता नहीं है, फुल साइज़ होने के बाद थोड़ा सा कलर फेंड हो जाता है, बट इन लोगों का कलर जाता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया है, और भी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नए फिश के साथ में। चलिए आरिफ भाई, बाय। थैंक यू सो मच, बाय।